महाराष्ट्र गोवा नोटरी एसोसिएशन नांदेड़ की ओर से नांदेड़ कोर्ट के सामने नियमबाह्य नोटरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए इस मांग को लेकर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिलीप गंगातीर इन्होंने नांदेड़ जिलाध्यक्ष कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। एडवोकेट दिलीप माधवराव गंगातीर महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरी एसोसिएशन का नांदेड़ का जिला अध्यक्ष हो, मैं 2 साल से प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि जो कोर्ट परिसर में दलाल लोग बैठे वाले हैं नोटरी का एजेंट बोल के, वो उन लोगों से नांदेड़ के आम आदमियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है और उनका बहुत आर्थिक शोषण भी हो रहा है। इतना ही नहीं, वो लोग टाइम आने पर किसी के साथ में भी झगड़ा करने को आगे पीछे देखते नहीं। हमारी प्रशासन से ये मांग थी बहुत दिनों से कि ये जो नोटरी वकील नहीं है और ये दलाल लोग जो वहाँ पर बैठे वाले हैं उनको वहाँ से जल्द हटाओ, लेकिन प्रशासन ने आज तक वो काम नहीं किया। बोल के मैंने गए महीने भी प्रशासन को एक एप्लीकेशन दिया था कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ, लेकिन प्रशासन ने गए महीने में भी वो काम नहीं किए। इसलिए मैं आज जो दिनांक 27/3 को मेरा आज का अनशन का पहला दिन है और मेरे आपके चैनल से ये हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो वहाँ से बैठे वाले वो एजेंट लोगों को वहाँ से जल्द हटा दिया जाए। लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी, आला अधिकारी उनके साथ में मिली भगत है बोल के आज भी, आज अनुशासन, आज हमारा उपोषण चलते हुए भी आज भी वो लोग वहाँ से हटे नहीं है, इतने उनमें डेयरिंग है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उन लोगों को वहाँ से हटाओ।